हेलो फ्रेंड्स, होली के त्यौहार पे हम बहुत कुछ बनाते हैं। आप जब पूरी तरह से थक चुके हों और आपकी गुजिया बनानी बाकी रह जाए तो आप ये गुजिया ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये मिठाई गुजिया की शेप की है और इसके लिए आपको ना मावा चाहिए, ना चाशनी बनाने का झंझट है और ना ही आपको गैस भी जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये इंस्टेंट बन जाती है, खाने में बहुत लाजवाब है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 15 से 20 बादाम, 15 से 20 काजू, 15 से 20 अखरोट और 4 टेबलस्पून गुड़, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने लिया है इसमें भुना हुआ चना, ये हमको 2 कटोरी चाहिए है। इसको हम पीस लेंगे। अगर आपको पिसा हुआ मिलता है, सत्तू के नाम से मार्केट में भी बिकता है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो भुने हुए चने को हम 2 कटोरी लेकर पीस लेंगे। और साथ में मुझे चाहिए है आधा कटोरी चीनी। तो सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर जार में काजू, बादाम, अखरोट, इन सबको हम दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर हमको नहीं चाहिए, बस दरदरा ही हमको पीसना है ताकि क्रंची टेस्ट आए। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून जितने गुड़। तो गुड़ से जो हमारी फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनेगी और इसमें बाइंडिंग भी आएगी। बस अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार है इस तरह से। अब हम इसको थाली में निकाल लेंगे और देखने में भी काफ़ी टेस्टी, देख सुंदर भी है और टेस्टी भी है। और ये देखिए कैसी बाइंडिंग आई है इसमें, गुड़ से जो बो है बहुत अच्छी बाइंडिंग आ गई है। अगर आपकी फिलिंग में बाइंडिंग नहीं है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून जितना दूध मिला सकते हैं बाइंडिंग के लिए। तो इस तरह से हमको फिलिंग में बाइंडिंग चाहिए। अब हम लेंगे हमारे भुने हुए चने का पाउडर, मैंने 2 कटोरी लिया है, और इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी जितनी चीनी। अगर आप चीनी कम खाना पसंद करते हैं तो अब इसमें थोड़ी चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं, और चीनी की मात्रा आपके टेस्ट के अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध से हमको इसमें एक डो बनाना है, और ध्यान रखना है कि दूध हमें है जो वो बहुत धीरे धीरे आराम से डालना है। एक साथ हम ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा जो डो है वो फिर पतला हो जाएगा और हमारी पूरी जो है वो तैयार नहीं होगी। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से इसको मसलेंगे और धीरे धीरे इसका डो बनाएंगे। और हमको डो जो है सेमी सॉफ्ट डो चाहिए है। इस तरह से देखिए हमारा डो तैयार हो गया है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए गूंथते हैं वैसा ही हमको डो चाहिए। और ये हमारा दूध भी बच गया है। अब मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर साइड में रख लिए हैं। अब हम एक पूड़ी बेलेंगे। उसके लिए हमें एक पॉलीथीन पेपर चाहिए, उसको हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे घी से या तेल से, आप जिस से भी ग्रीस कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर हमने जो पेड़ा बनाया है वो रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और बेलन की सहायता से हम इसको धीरे धीरे एक छोटी सी पूड़ी का शेप दे देंगे। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और हल्के हाथों से इसको बेलते हुए हम इसकी एक छोटी सी पूड़ी तैयार कर लेंगे। ये देखिए पूड़ी तैयार है, इसको उठाएंगे। ये देखिए इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। इस तरह से हम इसको बनाकर एक साइड पे रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और पूड़ी बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हमें छोटे छोटे साइज़ की बनानी है, क्योंकि त्यौहार में हम अलग अलग तरीके की मिठाई खाना पसंद करते हैं, और मिठाई का साइज़ अगर बहुत बड़ा हो तो हम इसको आधा तोड़ कर खाते हैं। इसके लिए मैं जो गुजिया की शेप वाली मिठाई है इसका साइज़ मैं छोटा ही बनाने वाली हूँ, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगी और खाने में बहुत लाजवाब। बस हम इस तरह से पूड़ियाँ बना बना कर साइड पे रखते रहेंगे। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो एक थाली लेती हूँ, उसके ऊपर मैंने पूड़ी रखी, उसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे, ना कम ना ज़्यादा, और इसको हल्के हाथों से साइड से दबा देंगे। बस अब हम कटर की सहायता से इसको एक शेप दे देंगे। अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है तो आप फॉर्क की सहायता से भी इसको शेप दे सकते हैं, यानी कि कांटे वाले चम्मच से। बस इस तरह से हम इसकी फिलिंग करते जाएंगे, हल्के हाथों से दबाते जाएंगे और इसको शेप देते जाएंगे, और हमारी गुजिया 15 से 20 मिनट में ही तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी गुजिया एकदम तैयार है, इसको हम साइड पे रख लेंगे और अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो मेरे पास खरबूजे के बीज थे, इससे मैं गार्निश कर रही हूँ। इसके ऊपर हल्के हाथों से घी लगाएंगे, घी से ये अच्छे से चिपक जाएंगी। आप चाहे तो इसको पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हो, आप चाहे तो चांदी के वर्क से भी इसको गार्निश कर सकते हो। आपके पास घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप इससे गार्निश कर सकते हो। तो देखिए इसकी सुंदरता में और चार चांद लग गए हैं।
देखने में कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी और झटपट तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक हेल्दी मिठाई है जो बनकर तैयार है, और आपको मैं इसका एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसके अंदर की फीलिंग जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और गुड़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी मिठाई भी बनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी टेस्टी और कितनी हेल्दी बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा पीजिए। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।